साथियों जय हिंद, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक और सवाल है आपका। आपने पूछा कि भैया आप ये बताओ कि जैसे आप इसमें नौकरी कर रहे हो फायर सर्विस में, या किसी भी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी कर रहे हैं हम लोग, तो क्या जो UPSI का जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, क्या उसमें हमको छूट मिलेगी? तो जवाब है मेरा, नहीं, कोई छूट नहीं मिलेगी, कोई डिस्काउंट नहीं है। क्योंकि साथियों जैसे आप देख रहे हैं भर्ती फ्रेश नए नए सिरे से, वैसे हम और हमारे साथी देख रहे हैं जिन्होंने भी फॉर्म डाला है, चाहे मैंने डाला हो चाहे किसी और ने डाला हो, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने भरा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें कोई छूट नहीं है। यदि रैंकर भर्ती होती है, रैंकर भर्ती अब नहीं हो रही है, जैसे मैं हूँ और मुझे मान चलो अभी तो 5-6 साल हुए हैं, यदि मुझे रिकमेंडेशन होता, मान चलो मुझे 7 साल हो जाते, 7 साल के बाद यदि कोई वैकेंसी निकलती है रैंकर की भर्ती UPSI की, तो उसमें आयु सीमा निर्धारित होती है कि आप भी उसमें मतलब एलिजिबल हैं, आप भी इसमें भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो उसका तो ये नियम था, अब हो नहीं रही रैंकर भर्ती, पहले हुई थी 2011 में हुई थी, ठीक है, अब नहीं हो रही है, तो कोई छूट नहीं है। साथियों मेरे चैनल उमेश चौधरी को जरूर सब्सक्राइब करो यदि नए हो तो चैनल पे, और वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करे करो, शेयर जरूर करे जो और साथी भी देख सकें इस वीडियो को। और शाम को मैं 8 बजे लाइव आऊँगा, उस पर बातचीत कर लेना, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखा करो, वीडियो को आपको कैसी लगती है मेरी मुझे ज़रूर बताया करो, अच्छी लगती है तो अच्छी, ठीक है साथियों, ठीक है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।